अमेजन में 55,000 जॉब। जी हाँ, 55,000 पोस्ट है अमेजन में। तो आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या योग्यता है, ठीक है, और कितनी सैलरी मिलेगी, और भर्ती कब से स्टार्ट होने वाली है। तो वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। नाम दिया गया है जॉब फेयर अमेजन करियर डे, ठीक है। तो 55,000 पोस्ट है, ठीक है। ये भर्ती प्रक्रिया जो है 16/9/2021 से सुबह 10 बजे से शुरू की जाएगी, ठीक है। ये भर्ती ऑनलाइन की जाएगी वेबसाइट पर। तो 16/9/2021 से सुबह 10 बजे से। अनुभव, जिसके पास कोई अनुभव है, अनुभव वाले भी अप्लाई कर सकता है, और जिसके पास किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का अनुभव होता है, किसी भी फील्ड में आपने काम किया है, वो अनुभव इसमें आप लिख सकते हैं। वेतन, इसमें वेतन बहुत ज़बरदस्त दिया गया है, क्योंकि जो ये कंपनी होती है अमेजन, गूगल, फ्लिपकार्ट, इस प्रकार की जो कंपनी होती है वो सैलरी बहुत ज़्यादा देती है, ठीक है। तो उसमें वेतन बहुत ज़बरदस्त रखा गया है, 1100 रुपये से 1240 रुपये प्रति घंटा। जी हाँ, 1 घंटे के आप लगा सकते हैं 1240 रुपये, अगर 1 घंटे के मिल जाए तो, अगर 8 घंटे काम करें तो कितना वेतन हो जाएगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ही जो कि ज़बरदस्त है। चयन कैसे होगा? योग्यता के हिसाब से, जैसे किसी ने हाई स्कूल, इंटर, स्नातक किया है, ठीक है, और किसी ने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, या किसी के पास कोई अनुभव है, ठीक है, कंपनी का अनुभव है, या किसी प्रकार का कोई अनुभव है, टेक्निकल अनुभव है, तो उसके हिसाब से, ठीक है, जिसकी योग्यता है उसके हिसाब से ये जॉब उसको मिल जाएगी, क्योंकि इसमें कई प्रकार की पोस्ट रखी गई है। पोस्ट, पूरी पोस्ट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कुछ जानकारी दी गई है, इस प्रकार की पोस्ट हो सकती है। और ये जो है, ये जो 55,000 पोस्ट है, ये वैसे तो पूरी वर्ल्ड के लिए है, अमेजन ने निकाली है, लेकिन जो उसमें मुख्य मुख्य देश है उसके लिए खास तो सही वैकेंसी है। जैसे 55,000 में आता है, जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, तीन तीन चार मुख्य देश हैं, ज़्यादातर वैकेंसी इन देशों में है। और जो भारत की वैकेंसी है, जिसमें 55,000 में जो भारत के हिस्से वैकेंसी आई है, वो 8,000 आई है, यहाँ इंडिया के लिए 8,000 वैकेंसी इसमें आई है 55,000 में से, बाकी अदर देशों के लिए है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर इन देशों में वैकेंसी है, अमेरिका, जापान, जर्मनी, इसमें जो है लगभग पूरी दुनिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, 8,000 पर केवल भारत वाले ही अप्लाई कर सकेंगे, 8,000 पोस्ट पर, ठीक है, ये केवल इंडिया के लिए है, बाकी अदर कंट्री के लिए है। और कितने शहरों में नियुक्ति होगी? ये भारत के 35 शहरों में इसकी नियुक्ति की जाएगी। जैसे मैं कुछ शहरों के नाम ले देता हूँ, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, मुंबई, कोलकाता, नोएडा, अमृतसर, अहमदाबाद, भोपाल, कोयम्बटूर, जयपुर, कानपुर, लुधियाना, पुणे और सूरत, ठीक है। ये मैंने कुछ शहरों के नाम लिए हैं, तो ये 35 शहरों में ये वैकेंसी आउट की गई है। और क्षेत्र कौन कौन से हैं जिस जिस क्षेत्र में ये वैकेंसी आई है, जैसे कॉरपोरेट टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस, कस्टमर को जो सर्विस देते हैं उसमें, उस डिपार्टमेंट में, ऑपरेशंस रोल, HR जो कंपनी में नियुक्ति करते हैं उसको बोलते हैं HR, फाइनेंस और लीगल जैसे कई सपोर्ट फंक्शन, रिटेल में और एडवर्टाइजमेंट में। तो इस प्रकार इस इन क्षेत्रों में वैकेंसी बताई गई है, और पोस्ट का में इसमें सही प्रकार से खुलासा नहीं किया गया है, केवल जानकारी दी गई है, ठीक है। और इसमें जो ये जो जॉब फेयर होगा, ठीक है, जॉब मेला होगा, यह है बहुत बड़ा जॉब मेला होगा, ठीक है, चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है, ठीक है, कि बहुत बड़ा जो है जॉब फेयर लगाया जा रहा है। इसमें जिसके कर्मचारी की संख्या है, ये जॉब फेयर पूरा होने के बाद में, ये गूगल के जो कर्मचारी है, तो क्या नाम बोलते हैं, फेसबुक के जो कर्मचारी है, उनके बराबर इनके कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी अमेजन की ये भर्ती होने के बाद में। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप जानते ही हैं अमेजन को। तो और इसके जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, तो किस प्रकार से है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, किस प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है, केवल रजिस्ट्रेशन करना है। आपने इस वेबसाइट पर जाकर के आपने इंडिया के लिए है ना, तो इंडिया पर क्लिक करना है, उसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा, उसको भरना है। मैं बताता हूँ वेबसाइट का नाम, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन।
www.amazoncareerday.com, इस स्पेलिंग बोल देता हूँ, www.amazoncareerday.com, ठीक है, ये वेबसाइट है, इसको ओपन करना है और रजिस्ट्रेशन नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर जो है एक फॉर्म खुलेगा, वो आपने इंडिया पर जो है क्लिक करना है, इंडिया के, तो आपने एक फॉर्म खुल जाएगा, तो उस फॉर्म को भरना है और सबमिट करना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन होगा 16 तारीख से, ठीक है, उससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आपने 16 तारीख से जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है तो रजिस्ट्रेशन करना है। और ये नहीं है कि अगर हमारे पास कोई बड़ी डिग्री होगी कि हमने कोई बड़ा कोर्स किया हुआ होगा, जब भी हमारा नंबर आएगा तो क्या पता इसमें आपका नंबर आ जाए, तो रजिस्ट्रेशन करने में क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि कोई चार्ज नहीं देना है। अगर आप इंटरनेट पर जाकर भरवाते हैं तो 40-50 रुपये आपके लग जाएंगे, या फिर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप से भी भर सकते हैं, मोबाइल से भी आप भर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई ज़्यादा खर्चा होने वाला नहीं है। आप अप्लाई ज़रूर करें, इससे हो जाएगा कि हाँ नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्या पता आपका नंबर इसमें आ जाए योग्यता के हिसाब से, ठीक है, तो कहीं पर भी नंबर आ सकता है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, और 16 तारीख से ये जो है वेबसाइट, जो ये फॉर्म है, एक्टिव हो जाएगा, तो 16 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो बाकी आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा, रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है, और इस फॉर्म को भरना ज़रूर। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल से जुड़ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।